हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग बहुत दिन बाद अपलोड हो रहा है, उसका रीज़न हमें नहीं पता। ब्लॉग्स हमने शूट किए थे लेकिन किसी वजह से वो डिलीट हो गए, ये है उसका रीज़न। तो अभी हम शेयर कर रहे हैं ग्रोसरी हॉल। एक्चुअली पापा जब लॉकडाउन के पहले ही ग्रोसरी खूब सारी ले आए थे, लेकिन जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी अभी सिर्फ वही लाई गई हैं। तो ये हमारी नई कैट है, हमने अभी भी बाय की है इसको। हम इसका नाम कैस्पर है और ये काफ़ी ज़्यादा शरारती है, हर जगह घुसता रहता है। बस पुसू तो अभी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और अभी हो रहा है ये व्लॉग, एक्चुअली डे रूटीन है। तो अभी सुबह का नाश्ता बन रहा है, हम यहाँ पर ब्रेड को टोस्ट नहीं कर रहे थे, बस पैन पर ही टोस्ट कर रहे थे बटर डाल के, क्योंकि सबको इसे एग के साथ खाना था, हाफ फ्राई एग के साथ। तो टोस्टेड ब्रेड नहीं अच्छा लगता, टोस्टेड ब्रेड ऐसे ही बटर लगा के चाय के साथ अच्छा लगता है सबको यहाँ पर। तो इसे एग के साथ खाना था, तो पैन में ही बटर डाल के बस इसको थोड़ा सा रोस्ट किया था। एक्चुअली ये ब्राउन ब्रेड थे, तो क्या रोस्ट किया था क्या नहीं किया तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। ब्राउन ब्रेड अम्मी मंगवाती हैं, कहती हैं कि ये कम नुकसान करता है, लेकिन ब्राउन ब्रेड तो है लेकिन अच्छा नहीं लगता खाने में ज़्यादा, जितना वाइट ब्रेड अच्छा लगता है। वाइट ब्रेड जितना सॉफ्ट होता है, ब्राउन ब्रेड उतना सॉफ्ट भी नहीं होता, मतलब बेकार ही है, इससे अच्छा मत खाओ। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं एग, हाफ़ फ्राई एग। मेरे घर में सबको हाफ़ फ्राई एग पसंद है, सिर्फ पापा को नहीं पसंद है, बाकी सबको हाफ़ फ्राई एग पसंद है। इनफैक्ट हमने ये जो बनाया, ये भी कह रहे थे कि ज़्यादा पक गया है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा हाफ़ फ्राई एग पसंद है सबको। और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था, हम सब बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऐसा बहुत ही कम हो पाता है कि हम सब साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करें। और अम्मी क्योंकि सुबह सुबह टीवी चालू नहीं करने देती, तो यहाँ पर मेरी जो बहन है उन्होंने फ़ोन पर ही कार्टून लगा लिया शिनचैन, और ब्रेकफास्ट करते करते देख रही है। अम्मी को पता नहीं है, वरना अम्मी तो ये भी ना करने देती। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अम्मी ने हमसे कहा कि मेरे बेड की चादर चेंज कर दें, तो हम बस वही कर रहे हैं। उसके बाद हम तो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, और अपने साथ साथ हम सुभान को भी पढ़ा रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में वो स्कूल तो जा नहीं रहा है, तो हम ही को उसको थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ता है। तो वो बहुत कम पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ता वढ़ता नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल में पढ़ता है और थोड़ा सा ही पढ़ता है। पढ़ते पढ़ते हमें हो गया लंच टाइम, हम सुबह थोड़े बहुत काम करने के बाद पढ़ने बैठे थे, फिर हमें लंच टाइम हो गया। और ये ऐसा लग रहा है शाम है, लेकिन ये शाम नहीं है, ये 2 बजे की क्लिप है। और इतना बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था बस बारिश होने वाली है। पूरा कल का डे पूरा रेनी डे था। यहाँ पर हम अपनी दोनों कैट्स को खाना देंगे, तो पुस्सू तो अब पता नहीं क्यों इतने नखरे लेने लगी खाना खाने में। और ये कैस्पर है, कैस्पर को तो बोल में खाना अच्छा ही नहीं लगता, उनको तो कॉपीज़ के ऊपर खाना अच्छा लगता है। और कैस्पर को कुछ देने लगा तो पुस्सू ऐसे ही देखती है, उसको लगता है कि उसे कोई ना देखे, उससे कोई ना बोले, सब बस पुस्सू से बोले। लेकिन कैस्पर अभी छोटा है और पुस्सू थोड़ी बड़ी है, तो इनकी काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन पुस्सू ज़्यादा नहीं मारती, यही ज़्यादा मारता है। और पापा, शाम का वक्त हो गया था, पापा बाहर गए थे, तो पापा सबके लिए समोसे लाए थे। हमने पापा से कहा था हमारे लिए समोसे नहीं, गुजिया ले आएँ, तो सब ने बताया कि समोसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, समोसे सबको बहुत अच्छे लगे, लेकिन समोसे तो अच्छे थे लेकिन जो गुजिया थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मतलब हमने लेके अपनी गुजिया लेके हम सबसे किनारे हो गए, और फिर जब हमने उसका एक बाइट लिया तो दूसरा बाइट लेने का मन ही नहीं किया, अच्छी नहीं लग रही थी गुजिया, तो बस वो अभी भी रखी ही होगी। और फिर हमने चाय बनाई, चाय पिया, उसके बाद ये कुछ प्रिपरेशंस चल रही है कबाब बनाने की। तो अम्मी गोश्त निकाला था, तो हमने उसकी छोटे छोटे पीसेस किए, उसके बाद अम्मी ने उसे पीस लिया, काफ़ी महीन कर लिया कीमे को ही काफ़ी महीन कर लिया,
क्योंकि अम्मी सीख वाले कबाब बनाएंगी, तो सीख वाले कबाब में काफ़ी महीन कीमा लगता है। और फिर हम, मेरी गुजिया तो बर्बाद हो ही चुकी थी, तो फिर हमने सोचा कि ना एप्पल खा लें, पापा एप्पल भी लाए हुए थे, तो एप्पल, बस एप्पल ही था जो सही निकला, खाने में भी टेस्टी लग रहा था। और ये पपाया भी अच्छा नहीं था, पापा बहुत सारे पपाया ले आए थे लेकिन ये भी अच्छा नहीं था, पता नहीं कैसा टेस्ट कर रहा था, ज़्यादातर चीज़ें ख़राब निकल गई थी, तो पपाया भी अच्छा नहीं निकला। यहाँ पर हमारी प्रिपरेशंस चल रही हैं, अम्मी ने कीमे में हरी धनिया डाला और हरी मिर्च, प्याज डाली, प्याज को चॉपर में इतना बारीक कर लिया था कि ऐसा लग रहा था उसे पीसा गया है, लेकिन पीसा नहीं गया था, उसे काफ़ी बारीक कर लिया था। और प्याज को भी काफ़ी स्क्वीज़ करके अम्मी ने डाला था ताकि उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रह जाता है तो सीख पर कबाब नहीं लगते हैं, वो नीचे गिरने लगते हैं। और ये जो मसाला है ये अम्मी ने खुद बनाया था, कबाब का मसाला अम्मी ने घर पर ही बनाया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। ये मसाला डालने के बाद आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये मसाला डाला, नमक डालो आप बस, और उसके बाद अम्मी ने इसको अच्छे से मैश किया, मिक्स किया, आटे की तरह गूंथा, उसके बाद ये अच्छे सा इसका एक डो टाइप बना लिया हमने। उसके बाद ये हमने पूरा बारबेक्यू जलाया था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी मेरी इसमें। और बारबेक्यू जलाने के बाद अम्मी ने इसमें कॉर्न भी ग्रिल किया हुआ था, लेकिन जो कॉर्न था पापा बहुत सारे ले आए थे, तो अम्मी और पापा ने खाया, हम लोगों ने नहीं खाया, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हम लोग को बस ये कबाब ही खाने, वरना फिर खाने में अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा। तो हमने ये सैलेड बनाया हुआ था उसके साथ में खाने के लिए, और मेरी बहन चटनी बनाई हुई थी, सबके काम बट चुके थे। एक्चुअली चटनी वाला सारा काम वो देखती है और सैलेड वाला सारा काम हम देखते हैं, तो हमने ये सब रेडी किया। और हमने कुछ रोटियां भी बना ली थी कबाब के साथ खाने के लिए, और ये हमारी प्लेट पूरी तरह से रेडी, हमारे ग्रिल कबाब, सीख कबाब, एक्चुअली सीख कबाब हमारे रेडी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। उसका जो स्मोकी फ्लेवर होता है बारबेक्यू की जान होती है। और ये हमारा नेक्स्ट डे की ब्रेकफास्ट की क्लिप है, यहाँ पर हमने इडलीज बनाई थी, इडलीज इसलिए क्योंकि एक हमने मसाला इडली बनाई थी और एक हमने प्लेन राइस इडली बनाई थी। और यहाँ पर हमारा सांभर है और कोकोनट चटनी, तो ये हमारा प्योर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है। तो यहीं से हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।